morning student. In previous class, as I have already explained you, when, मतलब why the National Assembly declared war against Russia and Austria. क्यों National Army war declare करता है? When men were out in the war, जब आदमी बाहर थे वॉर के लिए, तो women's लोग को क्या काम था? They have to look after the family. Family का भी ख्याल रखना था, as well as कमाने के लिए भी उनको बाहर जाना था. इतना सारा burden था women's पर. ठीक है, जब आदमी बाहर गए थे, तो then what happened? फिर धीरे धीरे मैंने आपको इसके बारे में बताया था, Jacobean's club क्या था वो भी मैंने बताया था आपको. जो common third estate के जो peasant और artisans थे, that is poor class, उन्होंने अपना एक club form किया. The name of that club was Jacobean, है ना. Jacobean club जब इन्होंने form किया, तो इनके जो leader थे was Robespierre इनके leader थे. ठीक है, then election was held, फिर से election हुआ, है ना. तो new assembly was formed, एक नया assembly form हुआ. The name of that assembly was convention. उस assembly का नाम रखा गया convention. Clear है? इसमें all the men, जितने भी men थे, who were 21 years, जिनकी उम्र 21 years थी, they were given the voting rights. Wealth से कोई relation नहीं था, उनके पास wealth रहे ना रहे, उससे कोई problem नहीं था. Every man who were 21 years and citizen were given the voting rights. उनको voting rights मिला. ठीक है, now talking about the Louis XVI को क्या किया गया, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. He was beheaded. उनको guillotine किया गया था. अब what is guillotine? Guillotine होता क्या है? A device which has two poles थे और बीच में एक ब्लेड था. ठीक है, और उसी ब्लेड से उन्हें उनको बिहेड किया जाता था. ये था गुलेटिन. तो इस तरह से रॉबस्पियर ने ये मेथड शुरू किया था. फिर इट वाज द एंड ऑफ मोनार्की. मोनार्की का एंड हुआ और बिगिन हुआ रिपब्लिक गवर्नमेंट इन फ्रांस. रिपब्लिक गवर्नमेंट का मतलब होता है द पीपल हैव राइट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. पीपल को ये राइट है कि वो अपना गवर्नमेंट इलेक्ट कर सके. जब रॉबस्पियर का टाइम आया, तो उस पर्टिकुलर समय इट वॉज नोन एज रेन ऑफ टेरर. चारों तरफ टेरर का माहौल था, डर का माहौल था. क्यों? बिकॉज ऑफ गिलोटिन. अगर किसी ने कुछ गलती की, अगर वो पता चला कि ही वॉज फाउंड गिल्टी, देन ही वॉज गिलोटाइन, यानी उन्हें बिहेड कर दिया जाता था. ठीक है, गिलोटाइन का नाम इसलिए गिलोटिन रखा गया बिकॉज इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ डॉक्टर गिलोटिन, जो कि इन्होंने ही वो डिवाइस बनाया था, इसलिए इन्हीं के नाम से ये डिवाइस फेमस हुआ. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट रॉबस्पियर ने बहुत अच्छा काम भी किया था कुछ, जैसे कि वाइट ब्रेड वॉज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली था, तो सबको कह दिया गया वी विल नॉट यूज वाइट ब्रेड. हम वाइट ब्रेड नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज ओनली व्हीट फ्लावर, या फिर व्हीट का जो ब्रेड है वो हम यूज करेंगे. दैट वॉज नोन एज इक्वालिटी ब्रेड. उसको इक्वालिटी ब्रेड भी कहा जाने लगा. ठीक है, ये जो पीरियड था, एक तरह से जो रॉबस्पियर था वो एक तरह से बदला भी ले रहा था उनसे, जो उनके अगेंस्ट में था. तो उनको कोई ना कोई चार्ज करके, है ना, उनको कोई ना कोई चार्ज करके देवर गिलिटाइन उनको भी बिहेड कर देता था. ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये डिक्टेटर मतलब ये डिक्टेटर बनने लगा. कैसे? जैसे कि अगर डिक्टेटर मतलब तानाशाह बनने की कोशिश करने लगा, जैसे ही फोर्स द पीपल, लोगों को जबरदस्ती करने लगा कि यू ट्रांसपोर्ट योर ग्रेन टू द सिटीज में अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करो, एंड दे हैव टू सेल दैट ग्रेन अकॉर्डिंग टू द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट फिक्स कर रखेगा वो ग्रेन का प्राइस, वही प्राइस में उनको उस ग्रेन को बेचना था. ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, इन प्लेस ऑफ सर और मैडम सिटोयन या फिर सिटोन वेर यूज. ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि जब डिक्टेटर बनना शुरू किया, फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट. कि मतलब वो कंट्री को बोलते ना, ही वॉज ट्रिशन, या फिर वो कंट्री को एक तरह से धोखा दे रहा है लोगों को, इसलिए उसको एक सजा मिली. ही वॉज ऑल्सो गिलोटाइन इन जुलाई 1794 में जैकोबिन का पाप फिर से गवर्नमेंट गिरा, और फिर थर्ड एस्टेट जो रिच क्लास था उनको फिर एक
कम इन टू द पावर, फिर से पावर में आए। ठीक है, जब वो पावर में आए फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके तहत फिर से वो पहले वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ कि द पर्सन या द मैन हु हैज वेल्थ, जिसके पास पैसा है, जिसके पास वेल्थ है, दे कैन ओनली वोट, वो ही वोट दे सकते हैं और किसी को वोट देने का हक नहीं है। इस तरह से सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। तो उसमें क्या था, दे प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड, दे इलेक्टेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये दो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थे वो इलेक्ट करते थे डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी क्या था, इट इंक्लूड्स फाइव मेंबर्स, फाइव मेंबर्स। तो फाइव मेंबर्स क्यों रखा गया, सो दैट वो जो है अपने अपने मनमानी काम ना करें, उन पे कंट्रोल के लिए फाइव मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। अब क्या हुआ, देयर वाज हमेशा देयर वाज अ क्लैश बिटवीन द डायरेक्टरी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के बीच में हमेशा क्लैश होने लगे ना हर एक इशू को लेकर। तो क्या हुआ, ये गवर्नमेंट को धीरे धीरे एक तरह से इट वॉज डिसमिस्ड। उसके बाद सो इट गेव अ वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद समय आया नेपोलियन बोनापार्ट का, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी। नाउ आई टॉक अबाउट द रेवोल्यूशन द वुमेन पार्टिसिपेटेड इन, जो औरतें थी, आपने आपको मैंने शुरू से कहा था ना कि औरतें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जिसे मैंने कहा था शुरू में फर्स्ट वीडियो में 14 जुलाई को 1789 में जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तब 7000 मैन एंड वुमेन दोनों का एक जगह गैदर हुए थे। तो उसमें वुमेन्स ने भी तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनको कभी भी एक्टिव माना ही नहीं गया, हमेशा उनको पैसिव माना गया, चाहे वो मोनार्कियल गवर्नमेंट हो, कभी भी दे वर नॉट गिवन एनी वोटिंग राइट्स, है ना, कोई इंपॉर्टेंस उनको नहीं दिया गया। कॉन्वेंशनल गवर्नमेंट गवर्नमेंट बना तो भी इनको कोई भी राइट्स नहीं दिया गया। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ उसमें भी इनको कोई राइट्स नहीं दिया गया। ठीक है, इसका मतलब दे वर टोटली निग्लेक्टेड, उन्हें टोटली निग्लेक्ट किया गया था। अब अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो जो गर्ल्स थी who belongs to noble family या फिर third estate के जो रिच थे, only they send their girls to convent school, और बाकी लोग स्कूल्स में नहीं भेजते थे बच्चे को, उनको खाली they used to do the household work, घर का काम उन्हें करने के लिए कहा जाता था। इवन जो रिच क्लास थे वो भी लड़कियों का पढ़ाने के बाद उनकी शादी कर देते थे, यानी वो लोग ये चीज में कोई इंटरेस्टेड नहीं था कि लड़कियों को भी पढ़ाए, उसको भी मतलब ऐसा बनाए कि वो अपने पैर पे खड़े हो, नहीं, उनको भी मतलब एक तरह से माना जाए तो वुमेन्स का जो कंडीशन था वो अच्छा नहीं था फ्रांस में। ठीक है, तो ये हो गया एजुकेशन के बारे में, उनकी एजुकेशन में सब क्या क्या वर्क दे यूज टू डू, सोचो ये बहुत सारे काम करते थे, दे यूज टू डू डोमेस्टिक सर्वेंट, मतलब घरों में जाके किसी के यहाँ नौकरानी का वो काम करती थी, दे यूज टू सेल फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इतना सारा औरतें काम करती थी, फिर भी इनका कंडीशन करने के बाद, they got a voting right. फिर उनको voting right मिला in the year
कि जर्नी ऑफ द वुमेन, जो वुमेन का जर्नी था फ्रांस में, कैसे उन्होंने संघर्ष किया और आफ्टर मैनी ईयर्स रिवोल्टिंग दे ऑल्सो गॉट द वोटिंग राइट इन 1946. टुडे आई हैव टॉट यू अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड अबाउट द गवर्नमेंट, है ना, डिफरेंट गवर्नमेंट जो आई हैव एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग टॉपिक. ओके, जस्ट गो थ्रू इट एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.